पूरे देश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर से सर चढ़कर बोला है, वहीं हिमाचल में इसे अछूता नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर मोदी के नाम पर भाजपा की चारों सीटों पर शानदार जीत दर्ज करवाई है। मंडी में भाजपा की इस जीत से भाजपा कार्यकर्ता गदगद दिखे और जगह जगह पर उन्होंने जश्न भी मनाया। पूरे देश में जहां पीएम मोदी का जादू एक बार फिर से सिर चढ़कर बोला है, वहीं हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर मोदी के नाम पर भाजपा की चारों सीटों पर शानदार जीत दर्ज करवाई है। भाजपा की इस जीत से भाजपा कार्यकर्ता गदगद हैं और जगह जगह पर जश्न मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस में गमगीन माहौल है। प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार लाखों मतों से विजय हुए हैं, जबकि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। बीजेपी की जीत पर जगह जगह पर पटाखे फोड़े गए और ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं कई जगह लड्डू बांटकर कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी का इजहार किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी की हॉट सीट पर मतदाताओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर भाजपा प्रत्याशी सांसद रामस्वरूप शर्मा को लघु मतों से विजय बनाया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 हलकों में कोई भी ऐसा हलका नहीं है जहां से भाजपा को विजय हासिल ना हुई हो। जबकि सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व संचार मंत्री पंडित सुखराम के पोते और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटेल मैदान से लेकर ऐतिहासिक शेरी मंच तक जीत की खुशी में रैली निकाली और खुशी का इजहार किया। अपने संबोधन में रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इस जीत का श्रेय हर उस कार्यकर्ता को जाता है जिसने पार्टी की योजनाओं को घर घर पर पहुंचाया और भाजपा की जीत सुनिश्चित करवाने के लिए पूरी लगन व ईमानदारी से मेहनत के साथ पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देते हुए कहा कि उनकी जीत प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से ही हुई है। इस अवसर पर विधायक राकेश जम्वाल सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। पूरे देश के कोने कोने में वो साथ है और हिमाचल से उनको बहुत ज़्यादा अपना बन रहा है और मंडी पार्लियामेंट से तो ज़्यादा स्नेह उनका रहा है। इसलिए मंडी पार्लियामेंट की जनता और दूसरा हमारे मुख्यमंत्री जी मंडी जिला का होना उनका जनता का उनसे अपार स्नेह और सांसद के नाते 5 वर्ष में लगातार मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाना, कई योजना को लेकर आना और जनता से लगातार संपर्क में रहना ये महत्वपूर्ण बातें रही हैं। और चौथा, मंडी पार्लियामेंट की जनता से इन बड़े नेताओं ने बार बार धोखा किया है। कभी मंडी का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिला, पहली बार मंडी की जनता को मुख्यमंत्री के रूप में जाना था और जिन्होंने इस मंडी पार्लियामेंट से मंडी से जो अन्याय किया है उनको जनता ने आईना दिखाया। लगभग जो जो महत्वपूर्ण कार्य मंडी पार्लियामेंट के थे उनको मैंने धरातल उतारने का प्रयत्न किया, लेकिन पीछे 4 साल सरकार कांग्रेस की रही, योजना उतर नहीं पाई। लेकिन अब प्रांत के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी वो खुद दिलचस्पी ले रहे हैं मंडी के महत्वपूर्ण कार्यों को धरातल पर उतारने की, उन योजनाओं को जल्दी पूरा करने की। तो मैं भी सांसद के रूप में उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयत्न करूंगा, वो धरातल पर दिखे ये काम मुझे करना है। बिल्कुल जो काम माननीय मोदी जी ने किए उससे पूरा देश दुनिया आश्चर्यचकित है और देश की जनता तो उन पर बिल्कुल मन से तन मन धन से उन्हें पुनः एक बार मुख्य प्रधानमंत्री देखना चाहते और आज वो सपना साकार हुआ है। भारत के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ।